आगे बढ़ने की खबर गाजियाबाद से, जहां बीजेपी में गुटबाजी पर बोले वीके सिंह। तकरार की खबरों के बीच सांसद वीके सिंह का बयान सामने आया है। पुलिस ने सबूतों के आधार पर केस दर्ज किया है। वीके सिंह ने यह बड़ी बात कही है। मामले पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से गहन चर्चा हुई है और दुष्प्रचार करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। सेना की गोपनीय बातों को लीक करने के आरोप का मामला मेजर जनरल विकास कुमार सिंह पर लंबे वक्त से चल रहा है कोर्ट केस, और बता दें कि केस को जनरल वीके सिंह से जोड़कर वायरल किया जा रहा है। इन्हीं खबरों को लेकर के जनरल वीके सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। किसी ने अपना कुटिल दिमाग लगाया, केस कोई और है जिसके बारे में अगर किसी ने थोड़ी सी भी रिसर्च की होती तो पता होगा। मेजर जनरल विकास कुमार सिंह का केस बहुत दिनों से चल रहा है। वो RNAW के अंदर थे, सिग्नल रेजिमेंट के ऑफिसर हैं, और उनकी लड़ाई RNAW के साथ चल रही है, और आज का नहीं है केस। इस केस को मुझे सुनते हुए कम से कम 10 से ज्यादा साल हो गए। तो अब उसको आप उसमें मेरी फोटो लगा दें तो ये गलत बात है, और इसलिए विज्ञप्ति जारी की गई। जनता पार्टी की शीर्ष कमांड इससे अवगत है। मेरी इस विषय के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बहुत चर्चा हुई है, गहन चर्चा हुई है, और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि कुछ लोग जो अपने फायदे के लिए दुष्प्रचार कर रहे हैं या गलत फहमी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं या लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ पार्टी भी सख्त एक्शन लेगी। और जहां तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, अगर व्यक्तिगत रूप पर मेरे से कोई बात करेगा या मेरे खिलाफ बात करेगा, उसके ऊपर पूरी कड़ी से कड़ी कार्रवाई। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी में गुटबाजी पर वीके सिंह बोले हैं। और आपको बता दें कि तकरार की खबरों को लेकर सांसद वीके सिंह का बयान सामने आया है, और उन्होंने बड़ी बात कहते हुए कहा कि जिस तरीके से बीजेपी के भीतर गुटबाजी पर उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है, तकरार की खबरों को लेकर अब बड़ा बयान देते हुए वीके सिंह नजर आए हैं। तो जिस तरीके से एक एक विषय को लेकर सबूतों के आधार पर कहीं ना कहीं आगे इसको लेकर संज्ञान लिया जाएगा। खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता हिमांशु जुड़ गए हैं। हिमांशु, देखिए जिस तरीके से अब नाराजगी भी जताई और साथ ही साथ ये भी बात सामने आई कि कहीं ना कहीं बीजेपी के भीतर गुटबाजी की खबरों को कहीं ना कहीं लीक किया जा रहा है, जो कि एक गलत संदेश देने का भी प्रयास किया जा रहा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं सख्ती दिखाई जाएगी। देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा 2024 का इलेक्शन नजदीक है और ये गुटबाजी अब से नहीं, काफी पहले से की जा रही है। गाजियाबाद के अंदर दो फाड़ भाजपा में देखने को मिल रही है। एक तरफ वीके सिंह जो गाजियाबाद के सांसद हैं, केंद्र राज्य मंत्री हैं, एक उनका गुट खड़ा हो गया है। एक दूसरा जो हमारे सूत्र है उनका मानना है कि जो गाजियाबाद के राज्यसभा सांसद हैं अनिल अग्रवाल और तमाम विधायक, उनका एक गुट बन चुका है जो आपस में दो फाड़ हो चुकी है, और एक दूसरे के प्रति जो प्रतिक्रियाएं हैं जो दी जा रही हैं उसको लेकर अब भाजपा में स्पष्ट है कि भाजपा के अंदर गाजियाबाद की जो राजनीति है वो चरम पर है। यही वजह है कि पहली बार वीके सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रमुखता से की और मीडिया के सामने अपनी बात को रखा कि किस तरह से उनके प्रति भाजपा के ही जो नेता हैं वो दुष्प्रचार कर रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत भी की है, जेपी नड्डा से भी बातचीत की गई है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और उनकी तरफ से यह आश्वासन भी दिया गया है ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। कदम क्या होंगे ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन 2024 का इलेक्शन नजदीक है, इसी वजह से ये गुटबाजी अब धीरे धीरे तेज होती जा रही है और आगे भी इस तरह की गुटबाजी होती रहेगी। वीके सिंह कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब उन्होंने की थी तो इस बात को प्रमुखता से कहते हुए नजर आए, क्योंकि ये किताब थी जिसको लेकर विकास कुमार सिंह जो सेना के अंदर जनरल रहे थे, वो उनका केस जो था वो सुप्रीम कोर्ट में 10 साल पहले से लगातार चल रहा था। उस किताब पर फोटो लगाकर वीके सिंह की वो वायरल की गई, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसको वायरल कराया गया, जिसके बाद दुष्प्रचार किया गया और इसी वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस वीके सिंह द्वारा रखी गई, क्योंकि गाजियाबाद के अंदर
जो गुटबाजी है वो अब चरम पर आ चुकी है। तो ऐसे में शीर्ष नेतृत्व को भी सोचना होगा। 2024 का चुनाव है, एक तरफ INDIA का गठबंधन है तो दूसरी तरफ भाजपा, और भाजपा गाजियाबाद के अंदर सबसे मजबूत पार्टी मानी जाती है क्योंकि लगातार इस सीट से सांसद जो है वो भाजपा का ही बनते आए हैं, चाहे वो राजनाथ सिंह रहे हों और उसके बाद से लगातार गाजियाबाद के सांसद डॉक्टर जनरल वीके सिंह रहे हों। तो ऐसे में इस सीट पर मजबूती भाजपा कभी भी खोना नहीं चाहेगी, तो इसलिए शीर्ष नेतृत्व भी इस सीट के बारे में सोच रहा है और यही वजह है कि वीके सिंह को भी फ्रंट पर आकर ये सारी बातें कहनी पड़ी। अब देखना होगा जो दूसरा गुट है उसकी प्रतिक्रिया क्या रहती है, क्योंकि गुटबाजी साफ तौर पर देखने को मिल गई है। वो दबे लफ्जों में वीके सिंह भी कह चुके हैं और जो दूसरे गुट के लोग हैं, चाहे वो विधायक हों या फिर राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल, उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया दी गई थी, क्योंकि पीछे दिनों अनिल अग्रवाल के खिलाफ भी एक FIR दर्ज हुई थी। उन्होंने भी दबे लफ्जों में कहा था कि प्रेशर में आकर पुलिस ने एक FIR रजिस्टर्ड की है, यानी कि उन्होंने भी डायरेक्टली नाम ना लेते हुए सीधे जो कोड किया वो वीके सिंह को कोड किया। अब ऐसे में देखना होगा ये गुटबंदी से भाजपा को कितना डैमेज गाजियाबाद में होगा और इसका फायदा INDIA और हिमांशु वीके सिंह की बात से भी साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं गुटबाजी अंदरूनी तौर पर बेशक चल रही है और कहीं ना कहीं इन सारी बातों से ये साफ हो जाता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हिमांशु। और जिस तरीके से लगातार अब सांसद वीके सिंह की प्रतिक्रिया के बाद सियासी घमासान मचा हुआ